हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से आज मैं कराने वाली हूँ विकृतियाँ यानी डिफॉर्मिटीज, जो हमारा पोस्टर डिफॉर्मिटीज होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हर बार इससे, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिशन, चाहे वो TGT, PGT, NVSELT, राजस्थान PTI, DSSB हो, सभी का तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे चैनल पे सभी वीडियोज हैं। एंड 100 से ज्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर MCQs क्वेश्चन के हैं, और डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज MCQs का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। दोस्तों, डेली बेसिस से बने रहिए मेरे चैनल पर बेहतर तैयारी के लिए। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि हालो बैक नामक विकृति को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में जो विकृतियां आती है, डिफॉर्मिटीज आती हैं, कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि काइफोसिस, लार्डोसिस, ठीक है, राउंड शोल्डर, स्कोलियोसिस, बाउ लेग, नॉकनी, फ्लैट फुट एंड क्ले फुट, बहुत सारी डिफॉर्मिटीज होती हैं। इसी पर आधारित प्रश्न होंगे। तो क्या प्रश्न है, हालो बैक नामक विकृति को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हालो बैक को लार्डोसिस के नाम से जाना जाता है। जैसे कि दोस्तों, लार्डोसिस होता क्या है, लार्डोसिस को हालो बैक, स्वेप बैक, बैक पोस्टर डिफेक्ट और सैडल बैक आदि नामों से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक्सेसिव इनवर्ड कर्वेचर इनसाइड, यानी कि जो हमारा लंबर रीजन होता है, कमर वाला भाग, उसमें आगे की तरफ अत्यधिक, यानी कि कमर में गड्ढा जैसा हो जाता है, वक्र बन जाता है। यानी कि यह किस कारण से होता है, पेट की पेशी कमजोर हो जाने से, घुटना ऊपर की ओर खींच जाने से, शरीर का भार एड़ियों पर आ जाने से, संतुलन ठीक से नहीं होने पर यह हो जाता है। दोस्तों, इसके लिए आप करेक्टिव एक्सरसाइज करेंगे, सीटअप, बेंड नी सीटअप और स्ट्रेट नी सीटअप, ठीक है, सुपाइन पोजिशन में कर्ल करेंगे, हलासन करेंगे, इसके लिए करेक्टिव एक्सरसाइज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस विकृति को क्या कहते हैं जिसमें पीठ अंदर की तरफ घुस जाती है और पेट बाहर की तरफ निकल जाता है। तो इसको हम कहते हैं लार्डोसिस, ठीक है, यानी पीठ के निचला भाग, जो कमर का भाग होता है, वो अंदर की तरफ घुस जाता है और पेट बाहर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस विकृति को क्या कहते हैं इसमें पीठ बाहर की तरफ निकल जाती है। कहने का तात्पर्य, पीठ का आकार गोल हो जैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों, इसको कहते हैं काइफोसिस। काइफोसिस को हिंदी में कुबड़ा कहते हैं। जैसे कि काइफोसिस, दोस्तों काइफोसिस को कई नामों से जाना जाता है। इसको राउंड बैक, हंच बैक एंड कवर्ड बैक, गोल कमर आदि नामों से जाना जाता है। इसलिए इन नामों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। पोस्टर डिफॉर्मिटीज का वीडियो मैं बनाई हूँ, उसको आप देख लेंगे तो सभी डिफॉर्मिटीज को आप को हमेशा याद हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राउंड बैक नामक विकृति को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, राउंड बैक नामक विकृति को काइफोसिस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि राउंड बैक काइफोसिस को बोला जाता है, जबकि राउंड शोल्डर जहां पे आ जाएगा, तो राउंड शोल्डर जो है वो अलग से डिफॉर्मिटीज है, जिसमें दोनों कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं राउंड शोल्डर में, ठीक है, दोनों कंधे स्ट्रेट यानी सीधा ना होकर आगे की तरफ निकल जाते हैं, तो उसको राउंड शोल्डर कहते हैं। जबकि राउंड बैक आपको काइफोसिस को बोला जाता है, तो काइफोसिस को राउंड बैक, हंच बैक, कवर्ड बैक, ठीक है, घुमावदार पीठ आदि बोला जाता है, कुबड़ा, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी विकृति होती है जिसमें एक कंधा झुक जाता है। कहने का तात्पर्य है कि रीढ़ की हड्डी एक तरफ मुड़ जाती है। तो इसको दोस्तों हम कहते हैं स्कोलियोसिस। जो हमारी रीढ़ की हड्डी एक तरफ झुक जाती है, उसको हम स्कोलियोसिस कहते हैं। स्कोलियोसिस होता क्या है दोस्तों, यह हमारी मेरुदंड यानी जो रीढ़ की हड्डी है उसकी पार्श्व कुब्जता है, यानी कि पार्श्व मतलब अगल बगल, ठीक है, लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन भी इसको बोला जाता है। इसमें मेरुदंड यानी स्पाइन का एक ओर झुकना, जैसे कि हमारा शोल्डर एक तरफ झुक जाता है एंड हिप दूसरी तरफ, इस प्रकार की आकृति को हम, जो डिफॉर्मिटीज होता है उसको स्कोलियोसिस बोलते हैं। स्कोलियोसिस दो प्रकार का हो जाता है, सी यानी सिंगल स्कोलियोसिस, यस यानी डबल स्कोलियोसिस, ठीक है।
एंड दोस्तों स्कोलियोसिस को दूर करने के लिए, आपका समस्या को दूर करने के लिए वॉल बार्स, शरीर को विपरीत दिशा में झुकाना, ब्रेस्ट स्ट्रोक एक्सरसाइज आदि करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस विकृति का नाम बताइए जिसमें किसी व्यक्ति के सावधान की स्थिति में खड़े होने पर घुटने आपस में मिलते हो। तो दोस्तों घुटने आपस में मिलते हो उसको हम कहेंगे नॉक नी। क्या कहेंगे? नॉक नी। जिसमें घुटने आपस में मिलते हो विकृति में, उसमें नॉक नी या जेनुवलम वलगम उसको बोला जाता है। नॉक नी या जेनुवलगम बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि घुटने आपस में सट जाती हैं, टच करती हैं और यक्ष की आकृति बनाता है। फ्लैट फुट होने की ज्यादा संभावना होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, सावधान की स्थिति में खड़े होने पर घुटने काफी बाहर निकलते हैं तो उस विकृति को हम क्या कहते हैं? उस विकृति को हम बाउ लेग कहते हैं। क्या कहते हैं? बाउ लेग कहते हैं। बाउ लेग यानी जेनुवरम, ठीक है। आप बाउ लेग यानी जेनुवरम में क्या होता है, इसको बंडीनेस या बंडी लेग भी बोला जाता है। इसमें दोनों घुटने बाहर की ओर दाएं बाएं निकल जाती हैं और ओ की आकृति बनाती हैं। जैसा कि दोस्तों आपको बाउ लेग और नॉकनी में ध्यान रखना है, बाउ लेग यानी जेनुवरम जिसमें घुटने बाहर की तरफ निकल जाते हैं, नॉकनी यानी जेनुवलगम जिसमें घुटने आपस में सट जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, पैरों के तलवों के चपटे होने को क्या कहते हैं? तो पैरे के तलवे जो चपटा हो जाता है, समतल हो जाता है, उसको हम फ्लैट फुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैट फुट बोलते हैं। फ्लैट फुट क्या होता है दोस्तों? यह खड़े होने पर पैरे के नीचे जो पंजा होता है वक्र न बना करके समतल रहता है। चलने पर पंजे बाहर की तरफ आ जाते हैं, फिर पंजे घूमकर अंदर की तरफ आ जाते हैं। दोस्तों जैसे कि जो फ्लैट फुट होता है इसको पेस प्लैनस भी बोला जाता है और इसमें दो आर्च बनते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडिनल में एड़ी से पैर के अंगूठे तक एंड ट्रांसवर्स में पैर की छोटी उंगली से अंगूठे तक बनता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेस कैवस किसे कहते हैं? तो दोस्तों एक फ्लैट फुट होता है जिसमें पैर के तलवे समतल हो जाता है, एक होता है आपका क्ले फुट जिसको पेस कैवस बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि पेस कैवस किसे कहते हैं, तो क्ले फुट को कहते हैं। जैसे कि फ्लैट फुट में समतल हो जाता है, उसी तरह क्ले फुट में गड्ढा हो जाता है ज्यादा, ठीक है। इसको पंजा पाव भी बोलते हैं हिंदी में। तो क्ले फुट को पेस कैवस, हालो फुट, क्लोटॉज भी बोला जाता है। यह फ्लैट फुट के विपरीत होता है, पंजे पशुओं की खुर की तरह मुड़ जाते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेस प्लेमिस किसे कहा जाता है? तो पेस प्लेनस जो बोला जाता है या फ्लैट फुट को बोला जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जेनुवलगम किसे कहते हैं? तो दोस्तों जेनुवलगम नॉकनी को बोला जाता है जिसमें दोनों घुटने आपस में सट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जेनुवरम किसे कहते हैं? तो दोस्तों बाउ लेग को जेनुवरम कहते हैं जिसमें दोनों घुटने बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काइफोसिस और पीठ के अन्य दोषों के लिए क्या आप किसी सरलतम व्यायाम का झुकाव सुझाव दे सकते हैं? तो दोस्तों काइफोसिस और पीठ के अन्य दोषों के लिए सबसे सरलतम व्यायाम है तैरना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शारीरिक संरचनात्मक विकृति में कुबड़ कौन सी है? तो कुबड़ किसको बोला जाता है? काइफोसिस को। नेक्स्ट है दोस्तों, एक किस्म की मेरुदंडीय विकृति है जो एक पश्चगामी अथवा परवर्ती वक्र की एक वृद्धि या विस्तार अथवा एक अग्रवर्ती वक्र का ह्रास अथवा उत्क्रमण है। इसे क्या बोला जाता है? काइफोसिस। इसे क्या बोला जाता है? काइफोसिस, ठीक। नेक्स्ट है, लड़कियों में मुख्य शारीरिक विकलांगता आमतौर पर होती है। तो दोस्तों लड़कियों में ज्यादातर काइफोसिस यानी कुबड़ा का विकलांगता होती है। नेक्स्ट दोस्तों, काइफोसिस विरूपता को ऐसे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको गोल कमर भी बोला जाता है, ठीक है, गोल कमर भी बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, कुबड़ को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो कुबड़ को और किस नाम से भी जाना जाता है? वक्र पीठ के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पे घुमावदार कंधा यानी कि
राउंड शोल्डर ये नहीं होगा, ये अलग सा विकृति है। पार्श्व पीठ ये नहीं होगा क्योंकि यह स्कोलियोसिस है। पोला पीठ जिसे हालो बैक बोला जाता है, यह लार्डोसिस को बोला जाता है। तो यहाँ पे बचता है वक्र पीठ, यानी कर्व वक्र पीठ जो होता है, तो यह आपका होता है कुबड़, कुबड़ को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खेलकूद में स्कोलियोसिस का उच्च स्तर देखा जाता है। स्कोलियोसिस जिसमें हमारा हिप जो है एक तरफ और हमारा कंधे एक तरफ मुड़ जाता है, यानी पार्श्व कुबड़ होता है, तो इसमें आपका जिम्नास्टिक और तैराक में ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, मेरुदंड एक तरफ के मोड़ को क्या कहते हैं? तो मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के एक तरफ के मोड़ को हम स्कोलियोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कोलियोसिस। नेक्स्ट दोस्तों, मेरुदंड की पार्श्विक वक्रता क्या कहलाती है? यहाँ पे पार्श्विक वक्रता आ जाए या आपका लेटरल डिविएशन आ जाए तो वहां पे आपका स्कोलियोसिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लार्डोसिस पाया जाता है, जा सकता है बुजुर्ग लोगों में, वयस्क महिला पुरुष में, शिशु बच्चे में, सभी उम्र के समूह में। तो दोस्तों लार्डोसिस सभी उम्र के लोगों में पाया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका पोस्टर डिफॉर्मिटी यानी शारीरिक विकृतियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। और ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी को घुमा फिरा के पूछा जाएगा, आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और बने रहिए मेरे चैनल पर डेली बेसिस पर बेहतरीन तैयारी के लिए। तो दोस्तों आपका हेल्थ एंड डिजीज और पोस्टर डिफॉर्मिटी से क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे शारीरिक चिकित्सा, ठीक है, खेल चिकित्सा शास्त्र यानी स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चंस की हम तैयार प्रैक्टिस कराएंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।